हेलो एवरीवन, आप सभी का चीजी कोड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, क्यों और कैसे हम लूप्स को यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। लूप्स को समझने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सपोज मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर दो कलर की बॉल्स हैं, एक रेड रंग की बॉल है और एक हरे रंग की बॉल है। अब मुझे रेड वाली बॉल्स को रेड वाले बैग में डालना है और हरे वाली बॉल्स को हरे वाले बैग में डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस प्लेट में से एक बॉल उठाऊंगा और उसको चेक करूँगा कि वो कौन से रंग की है और उसको उस वाले बैग में डाल दूंगा। तो सपोज़ मैंने एक बॉल उठाई जिसका रंग हरा था, तो मैंने उसको हरे वाले बैग में डाल दिया। अब मैंने नेक्स्ट बॉल उठाई, उसका भी रंग हरा था, तो मैंने उसको हरे वाले बैग में डाल दिया। अब मैंने थर्ड बॉल उठाई और वो रेड रंग की निकली, तो मैंने उसे रेड वाले बैग में डाल दिया। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट कलर वाली बॉल्स को डिफरेंट कलर वाले बैग्स में डाल दूंगा और ये मैं काम जब तक करूँगा जब तक मेरी प्लेट खाली नहीं हो जाती। तो इस प्रोसेस को हम लूप कहते हैं। मतलब हम सेम स्टेप्स बार बार कर रहे हैं, मतलब एक बॉल उठा रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि वो कौन से कलर की है और उसको उसके बैग में डाल दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लूप कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा क्लियर करने के लिए। तो सपोज़ मैं शॉपिंग करने के लिए गया और वहाँ पर मैंने 10 आइटम सेलेक्ट करे। अब मुझे इसका बिल बनवाना है। तो बिल बनवाने के लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले उसे पहला प्रोडक्ट उठा के दूंगा, वो उसका प्राइस लेगा और उसको बिल में ऐड कर देगा। फिर वो दूसरा प्रोडक्ट उठाएगा, उसका प्राइस लेगा और उसको बिल में ऐड कर देगा। वो इसी प्रोसेस को 10 बार करेगा क्योंकि मेरी कार्ट के अंदर 10 प्रोडक्ट्स थे। तो यहाँ पे भी हम लूप का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमें मालूम है कि सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो काउंट है वो फिक्स्ड है। एक और कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं जो आपने देखा होगा कि आप अपने गानों को या अपनी वीडियोज़ को लूप में प्ले कर सकते हैं। आपकी जो म्यूज़िक है या फिर आपकी जो वीडियोज़ हैं वो आप लूप पर प्ले कर सकते हो। मतलब आपको सेम वीडियो बार बार प्ले करना है तो उसको आप लूप पे लगा सकते हो, या आपके सेम सेट ऑफ सॉन्ग्स हैं उनको आपको लूप पे प्ले करना है तो वहाँ पे भी हम लूप का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप लूप्स जो हैं वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सेम इस चीज़ को हमें अपने कोड में इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन होते हैं लूप के। फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। तो इसको वन बाय वन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर लूप के बारे में। तो अगर हमें सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन करनी है नंबर ऑफ टाइम्स तो वहाँ पर मैं लूप का यूज़ करता हूँ। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ मुझे हेलो चीज़ी कोड प्रिंट करना है 5 बारी। तो एक तरीका तो ये होगा कि मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखूँ 5 बारी। तो इस तरीके से मैं 5 बार हेलो चीज़ी कोड प्रिंट करा सकता हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोड है वो रेपिटेटिव हो गया। मतलब मैंने सेम चीज़ बार बार करी है, 5 बार करी है मैंने। इसको मैं लूप की मदद से भी कर सकता हूँ। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा काउंट नाम का, जिसके अंदर मैं अपना काउंट रखूंगा कि मैंने अभी कितनी बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी है। तो यहाँ पे मैंने काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने वैल्यू असाइन करी है 1। अब मैं चेक करूंगा काउंट की वैल्यू क्या है, क्या काउंट जो है वो मेरा 5 से बड़ा है। मतलब क्योंकि मुझे 5 ही बार चीज़ी कोड प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा 1 is greater than 5। तो वो कहेगा नहीं, 1 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है। तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएगा और हेलो चीज़ी कोड प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो यहाँ पर आएगा। अब क्योंकि उसने एक बार प्रिंट कर दिया तो वो काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा 1 से। तो अब काउंट की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। फिर दोबारा वो ऊपर जाएगा और चेक करेगा क्या जो 2 है वो ग्रेटर देन 5 है। वो कहेगा नहीं, तो वो यहाँ पे आएगा और हेलो चीज़ी कोड प्रिंट कर देगा। और उसके बाद फिर वो यहाँ पे आएगा और उसकी वैल्यू को कर देगा 3। तो इस तरीके से आप लूप करते रहेंगे। आखिरी में जब काउंट की वैल्यू 6 हो जाएगी, मतलब वो 5 बार प्रिंट कर चुका है, तो वो ऊपर जाएगा और चेक करेगा 6 is greater than 5। वो कहेगा ट्रू, तो वो वहाँ पर स्टॉप कर देगा इस लूप को। तो इस तरीके से ये फॉर लूप काम करता है। तो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो इस तरीके से हम जावा में फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, यहाँ पे जितने भी इनिशियलाइजेशन का काम है वो हम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो हमारी कंडीशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, जो भी हमारी कंडीशन है। उसके बाद हम यहाँ पे आइट्रेशन करेंगे, मतलब यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट का काम होगा वो हम यहाँ पे करेंगे। और जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो हमारा हेलो चीज़ी कोड वाला कोड है उसको देखते हैं कैसे लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने काउंट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है, इंट काउंट इक्वल टू 1। मतलब मैंने उसको 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन वाला कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ किया अपने वेरिएबल को। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखते हैं कि काउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी अपनी और यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट किया उसको काउंट को। और यहाँ पे मेरी प्रिंट स्टेटमेंट है। तो देखते हैं ये फॉर लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे पहुँचेगा तो वो सबसे पहले इस वेरिएबल को डिफाइन करेगा और उसकी वैल्यू को कर देगा 1। तो ये हमारा काउंट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद वो इसकी कंडीशन चेक करेगा कि यह जो काउंट है वो लेस देन 5 है। वो कहेगा हाँ, काउंट जो है वो लेस देन 5 है। तो वो अंदर चला जाएगा और इन वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो वो यहाँ पर पहुँचेगा। तो वो इस जगह पर पहुँचेगा और काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। अब काउंट को उसने प्लस प्लस किया है तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से वो यहाँ पर पहुँचेगा और चेक करेगा 2 is less than equal to 5। तो कहेगा हाँ, 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो वो ट्रू हो जाएगी कंडीशन और फिर वो अंदर चला जाएगा।
फिर इन वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद दोबारा यहाँ पे पहुँचेगा और काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा, और इस बार जो वैल्यू होगी वो होगी 3। तो वो चेक करेगा 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा। तो आखिरी में जैसे ही काउंट की वैल्यू होगी 6, तो वो चेक करेगा क्या 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, जो हमारा 6 है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आंसर आएगा फॉल्स। तो वो यहाँ पे पहुँच जाएगा और फॉर लूप को एग्जिट कर देगा। तो इस तरीके से ये फॉर लूप चलता है। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर लूप का कोड है। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने 5 बार हेलो चीजी कोड प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा। तो कुछ चेंजेस करके देखते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो सपोज़ मैं इस वेरिएबल को बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं काउंट को 1 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इस काउंट वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ, देखते हैं क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनसाइड लूप, और यहाँ पे मैं काउंट को प्रिंट कराऊँगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम आउटसाइड लूप लिख देते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले उसने हेलो चीजी कोड प्रिंट किया, उसके बाद इनसाइड लूप 1, मतलब काउंट की वैल्यू 1 थी। उसके बाद वो यहाँ पे गया होगा, काउंट को इंक्रीमेंट किया होगा, काउंट की वैल्यू हो गई होगी 2। उसके बाद उसने देखा 2 जो है वो 5 से कम है, तो वो अंदर गया, यहाँ पे उसने हेलो चीजी कोड प्रिंट किया, उसके बाद इनसाइड लूप 2, उसने 2 प्रिंट किया। सिमिलरली ये चलता गया जब तक इनसाइड लूप की वैल्यू होगी 5, मतलब यहाँ पे वैल्यू होगी 5। तो 5th आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद वो काउंट का वेरिएबल 6 कर देगा और चेक करेगा 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो आंसर आएगा फॉल्स। तो सीधा वो यहाँ पे पहुँचेगा और आउटसाइड लूप में वो 6 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर लूप के बारे में। जावा में डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं लूप की, एक वाइल लूप होता है, एक डू वाइल लूप होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।